बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जी हां, अभी कुछ दिनों पहले ही दिलीप जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन कुछ सुधार होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। फिलहाल वो घर पर हैं, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये मशहूर कलाकार अब पत्नी सराया बानो और बाकी परिजनों को पहचान पाने में भी असमर्थ हैं। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रख रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने भी ट्रेजेडी किंग की तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान दिलीप साहिब जी को चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी। पिछले साल दिसंबर में भी स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते इन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। इसी के साथ आपको आगे बताते चले कि दिलीप कुमार जी का असली नाम यूसुफ खान है, लेकिन फिल्मी दुनिया में इन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। इतने लंबे फिल्मी करियर के दौरान कई बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया। उन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा हिंदी सिनेमा का सबसे बड़े दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। कुरिन हेल्पडेस्क की रिपोर्ट।